महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार की ओर से कितने भी दावे किए जाते हों, लेकिन आज भी महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं उसका एक उदाहरण सांगली से सामने आ रहा है, जहां एक मजबूर महिला की मजबूरी का फायदा उठाते हुए एक शख्स ने उससे दोस्ती बनाई और पीड़ित महिला को शादी करने का लालच देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। महिला गर्भवती हो गई। जब महिला ने शादी के लिए आग्रह किया तो वह साफ कर गया और महिला को बताए बिना ही दूसरी शादी कर ली। पीड़ित महिला ने हिम्मत से काम लिया और इसकी जानकारी पुलिस को दी। वहीं अब आरोपी की ओर से केस वापस लेने का महिला पर दबाव बनाया जा रहा है। वो मेरे साथ अत्याचार हुआ है, मुझे फंसा गया है, मुझे शादी की पूछ लगा कर मेरे साथ एक लड़के ने बलात्कार किया है। उस लड़के का नाम गणेश बाड़ा से प्लान गए है और मेरा यहाँ का बोलवाड़ रास्ते पे रहने वाला है और उसने मुझे बार बार फंसाया गया है कि मैं तुमसे शादी करूँगा, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया है और उसके माँ बाप ने भी यही बात मुझे बार बार कहकर धोखा दिया है कि मैं तुम्हारी शादी मेरे लड़के से कराऊंगी क्योंकि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मेरे पेट में अभी 8 महीने का बच्चा है, और उसने मुझे पता भी नहीं था इसलिए उसने दूसरी शादी कर ली और मुझे बार बार धमकी दे रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि तुम बच्चा गिरा दो, हम तुम्हें जितना चाहे उतना पैसा देंगे, नहीं तो हम तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को मार देंगे, ऐसे बार बार धमकी दे रहे हैं।